हेलो दोस्तों है, वेलकम 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 टू इन्फोटेक है। इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। कि आप टेक्नोलॉजी के टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल में बने रहिए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ विंडोज 10 के टेक्निकल टिप्स। क्योंकि विंडोज 10 में होता यह है, जनरली काफी सारे लोगों के साथ में हो रहा है कि विंडोज 10 जो है इंस्टॉल करने के बाद में, आज हम बात करने वाले हैं विंडोज 10 के एक ट्रबल शूटिंग की यानी टेक्निकल टिप्स की, जिसके अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज 10 अगर आपका जो है स्टार्ट होने में इश्यू हो दे रहा है, रिस्टोर भी करने के बाद भी आपको इश्यू आ रहा है, आप विंडोज 10 को जो है रिकवर कर रहे हैं तो भी इश्यू आ रहा है, ट्रबल शूटिंग में भी इश्यू आ रहा है, लेकिन विंडोज स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो विदाउट डाटा लॉस किए आप विंडोज को किस तरीके से जो है रिकवर कर सकते हैं, यानी उसके जो है विंडोज 10 के अंदर में जो अपडेट्स आ चुके हैं उन्हें अनइंस्टॉल करना है और फिर आपका जो है विंडोज पुरानी पोजीशन में आ जाएगा और विंडोज 10 स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में देख लेते हैं विंडोज 10 का किस तरीके से सॉल्व करना है इशू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें क्या आपको आपके इस विंडो का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन आ चुका है हमारा, यहाँ पे ऑटो रिपेयर का एक ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें हमें अपना USB जो आपका पेन ड्राइव है या फिर आपके पास में जो DVD है रिपेयर की, वो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हम अपना USB विंडोज 10 वाला यहाँ पे ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में PC को रिस्टार्ट करेंगे या फिर शट डाउन का बटन जो दबा देंगे और उसके बाद में अपने जो पावर बटन है उससे इसे फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद में देखिए हमको यहाँ पे प्रेस करना है F2। F2 इसलिए प्रेस करना होता है ताकि हम BIOS के अंदर में जा सके या फिर हम ऑप्शन दे सके। अगर विंडोज़ आपका जो कंप्यूटर है वो अगर न्यू वर्जन का है तो आपको F12 दबाना है, जिसके थ्रू आप बूट डिवाइस पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे विंडोज़ आपका जो है डायग्नोस कर रहा है PC, डायग्नोस योर PC यानी PC जो है सर्च कर रहा है कि कौन कौन सी फाइलें है, अटेम्प्ट रिपेयरिंग रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए फिर से यही ऑप्शन आ चुका है ऑटोमेटिक रिपेयर। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है एडवांस ऑप्शन, क्लिक कर एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है यूज टू डिवाइस, ये ऑप्शन के थ्रू हम पेन ड्राइव के थ्रू इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनरली कुछ PC में इश्यू ये आता है कि कोई फाइल करप्ट हो जाती है, तो यहाँ पे हमें यूज़ डिवाइस वाला जो ऑप्शन है उससे कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग के कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग में हमको जो है रेसेट दिस PC या फिर एडवांस ऑप्शन पे जाकर स्टार्टअप रिपेयरिंग का जो ऑप्शन होता है उस पर हमें क्लिक कर देना होता है। यहाँ पर एक बार कर हम ये देखते हैं स्टार्टअप रिपेयरिंग। स्टार्टअप रिपेयरिंग करने के बाद में आपका PC रिस्टार्ट हुआ और फिर से स्टार्टअप रिपेयरिंग का ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखाई देने लग रहा है। अब जो है आपको जाना है एडवांस ऑप्शन ट्रबल शूटिंग में, और यहाँ पे ट्रबल शूटिंग में जाने के बाद में UIF पे हमें क्लिक नहीं करना है, हमें यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट्स वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है और अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट्स इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें आपका यूज़र नेम दिखाई देने लगे हैं। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने से पहले कीबोर्ड को चेक कर ले। यहाँ पे हमें US का कीबोर्ड है तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं। अब जो है पासवर्ड को हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद में हमें कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड कंटिन्यू हो चुका है, अब अनइंस्टॉल क्वालिटी अपडेट्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए ये जो अपडेट्स आ चुके हैं विंडोज़ के जो आपके कंप्यूटर को कंपेटेबल नहीं है, आपका PC उसे उसका जो है उस कंप्यूटर के लिए कंपेटेबल नहीं हो पा रहे, तो उसे अनइंस्टॉल होना है और उसके बाद में PC रिस्टार्ट होगा और वर्किंग ऑन अपडेट्स 100% कंप्लीटेड डू नॉट टर्न ऑफ का मैसेज आएगा। यहाँ पे हमें कंप्यूटर को कुछ नहीं करना है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होने देना है। अब आपका PC रिस्टार्ट हो चुका है, फिर से डेल आपको वहाँ पे दिखाई देने लगेगा। जो भी PC है आपका, डेल हो, लिनोवा, HP हो, SC हो या फिर आपका जो है असेंबल PC हो, तो इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा, यानी मदरबोर्ड का आइकॉन आपको वहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अब जो है यहाँ पे आपका PC स्टार्ट होगा। ये देखिए आपका जो PC है ओल्ड वर्जन, यानी आपका जिस तरीके से पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था वो आ चुका है। यहाँ पर हमें पासवर्ड डाल देना है, जो भी पासवर्ड आपके पास में अवेलेबल है, जो पुराना पासवर्ड था वही पासवर्ड हमको यहाँ पे डालना होता है और एंटर प्रेस कर देंगे।
जैसे ही इंटर प्रेस हो गया तो यहाँ पे देखिए आपका जो पीसी है वो पूरी तरीके से पुराने हिसाब से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे किसी तरीके की कोई फाइल यहाँ पे मिस नहीं हुई, कोई फाइल लॉस नहीं हुई। आपके कंप्यूटर के अंदर में जितने एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। सिर्फ इशू ये था कि कुछ अपडेट्स जो आ चुके थे वो अपडेट्स को हमने यहाँ पे अनइंस्टॉल किया। जो विंडोज़ के अपडेट थे जो आपके पीसी को कंपेटेबल नहीं हो रहे थे, या फिर इंस्टॉल होते समय या अपडेट आते समय आपका जो इंटरनेट बंद हुआ तो वो आधी फाइल बीच में रुकने की वजह से फाइल जो है जंबल हो गई, और वो जंबल होने की वजह से आपका पीसी जो है करप्ट हो चुका था। अब जो है ये इस तरीके से हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना है, आप सेटिंग ऑप्शन पे जाना है। इस वाले ऑप्शन को आप याद से याद रखें कि इस ऑप्शन पे आपको याद रखना है, सेटिंग्स पे आपको जाना है, यानी विंडोज़ कंट्रोल पैनल जिसे हम कहते हैं उस पर जाना है। पहले हम शट डाउन कर एक बार पीसी को चेक कर लेना है किस तरीके से, और उसके बाद में हम यहाँ सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में कंट्रोल पैनल का एक ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई देने लगेगा। वहाँ पे आपको जो है अपडेट्स का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ये देखिए ये कंट्रोल पैनल आ चुका है आपका। यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी पे हमें क्लिक कर देना है। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको करना ये है कि एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में ये जो एडवांस अपडेट ऑप्शन जो है इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद में आपका जो पीसी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट बंद कर देगा जब हमको ज़रूरत पड़ेगी, जब ही हम वहाँ से अपडेट ले पाएंगे। अब देखिए ये पूरी सेटिंग्स चेंज हो चुकी है। अपडेट्स व्यू अपडेट्स हिस्ट्री भी हम चेक कर सकते हैं, चेंज योर एक्टिव आवर्स भी चेक कर सकते हैं। व्यू अपडेट सेटिंग पे जाकर देखिए ये सारे अपडेट्स आ चुके हैं जो ड्राइवर्स वगैरह के थे। अब जो है ये सारे ऑप्शंस को वन बाय वन क्लिक कर या तो हम इंस्टॉल कर दें या फिर उसे वैसा ही रहने दें, क्योंकि जो फाइल्स अननेसेसरी थी वो ऑटोमेटिकली जो हमने ऑप्शन किया, जो हमने ट्रबल शूट किया उसके थ्रू वो अनइंस्टॉल हो चुकी है और आपका जो पीसी है प्रॉपर वे से चलने लगा है। तो ये था एक बड़ा अपडेट जो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी सारे लोगों को आता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट कर हमें ज़रूर बता दें कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और इस वीडियो में अगर कुछ कमी लगी तो भी आप इस पर लिख सकते हैं। और अगर इसी तरीके का दूसरा आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बता दें, उसी टाइप से हम वीडियो बना लेंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।